the best playback singer female goes to Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal or Suniti Chauhan, your favorite? Meri mehboob और वैसे इतने अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने। शी इज वन ऑफ द मोस्ट फन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफ कोर्स वी ऑल लव हर फॉर। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जितने भी फीमेल सिंगर है उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है श्रेया घोषाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का क्या कहना है। गायिका सुनिधि चौहान अच्छी है, श्रेया घोषाल अच्छी है और तुम्हारे अलका यादवी और तो कोई याद नहीं सिंगर है और वो सब आपके चाहने वाले ही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस है? मैं एडवाइस तो क्या दूं, सभी मेरे हिसाब से पुराने हैं। नए में मुझे एक श्रेया नजर आती है और तो कोई नजर नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं आशा भोसले का क्या कहना है। मुझे लगा कि आज के म्यूजिक में रोशनी है अभी आज का म्यूजिक जो है वो काफी मैं लताड़ चुकी हूँ और ये गाने बहुत अच्छे लगे। श्रेया घोषाल का भी गाना अच्छा लगा, सुनिधि चौहान ने भी अच्छा गाना गाया है और इनसे ये अपेक्षा भी मैं रखती हूँ कि ये गाना अच्छा गाएंगी, क्योंकि श्रेया का और सुनिधि का नाम है आज और उनको उतने गाने नहीं दे पा रहे हैं और लॉस हो रहा है, म्यूजिक को लॉस हो रहा है। आइए अब दिखाते हैं सुनिधि चौहान का क्या कहना है। What about Shreya Ghoshal? What about her? Brilliant singer and you all love her and I love her too. My favorite singer. I like so many singers. You know, nowadays there are so many, there is such a variety and they all are really working hard and they're trying to make their mark. It's beautiful to see their enthusiasm, their dedication towards music. I love Jonita Gandhi, I love Nikita Gandhi, I love Mahalakshmi. चलिए अब दिखाते हैं पलक मुच्छल का क्या कहना है। For me, Shreya ji is like after Lata ji, I completely admire Shreya ji's work and. चलिए अब दिखाते हैं कि ध्वनि का क्या रिएक्शन है। A lot of artists on based on different genres that you know inspire me. There's like I said, I love Sonu Nigam and Shreya Ghoshal. I've grown up listening to their songs and that you listen to and that inspire you to be a singer. Every song that Shreya Ghoshal has. Dhak Dhak Girl, Madhuri Dixit ka kya reaction hai? हर हृदय कहते हैं श्रेया घोषाल वॉइस इज ग्रेट। माधुरी जी के हिसाब से श्रेया घोषाल का उनका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? घर मोरे परसिया। आई वुड हैव बीन अपसेट अगर आप ये नहीं कहते। नहीं, वैसे इतने अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने, एक से एक गाने गाए हैं। एवरी सॉन्ग ऑफ हर्स ब्यूटीफुल, लेकिन ये क्योंकि मैंने भी किया है गाना तो बहुत पसंद है। आइए अब दिखाते हैं विद्या वालन का क्या कहना है। I think Shreya Ghoshal undoubtedly. Firstly, congratulations Shreya, she's just gotten married. You know, she's an extremely versatile singer, but more importantly she touches your heart. Wo dil se gaati hai. Aaiye ab dekhte hain Richa Sharma ka kya reaction hai. Unki queen aayi hai to phir jitne bhi especially aapke SGNs jo hain, so mad about you, you're so blessed, so lucky. We are Bangla बट ये मैं लता जी का गाना सुनाऊंगी, मेरा बहुत फेवरेट गाना है। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग दो डायलॉग बांग्ला में, मतलब डायलॉग हाय ये गाने हैं, ऐसे गाने हैं, क्या काम करते गए हैं ये सब। और जो आप सबकी लाज रख रही हो ऐसा गा के,
वो ऊपर बैठे हुए आपको कितना हंसी से ले रहे होंगे, कितना आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे होंगे। आपको मालूम आप उनके सोल को यहाँ से खाना पहुंचा रहे। अरे बाप रे, आई एम अ बिग फैन ऑफ सलीला। सलीला के गानों को मतलब फुली यू सैंग, और ऐसा हो रहा था कि बस नशे में डूबे हुए थे, इतना बच्ची आँख ही बंद हो चुकी थी मेरी। चलिए अब दिखाते हैं के एस चित्रा जी का क्या रिएक्शन है। എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും വലിയ ലോസാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക്, ഞാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സിംഗറാണ് ശ്രേയ. ശ്രേയയുടെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി തിരിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രേയ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അയ്യെ അബ് ദിഖാതെ അനുരാധ പൊഡ്വാൾ കാ ക്യാ കഹനാ ഹൈ. സബി അച്ഛാ ഗാതേ ഹൈ, നഹീ നഹീ ഐസാ നഹീ ഹൈ. श्रेया है, लॉट ऑफ पीपल, दे आर रियली वेरी गुड सिंगर्स। चलिए अब आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं जो जोनीता गांधी श्रेया घोषाल को डेडिकेट की थी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जजनी न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। जी सर, श्रेया इज एक्चुअली द वन हु इज द who's actually the lead. Ante ame whatever language she sings, she's very good, she's perfect. Alam Telugu, Kannada, native singer la paadutundi. If somebody who sung a lot of numbers and they can match from the previous generation, ante that's only Shreya. I not even anywhere close to them. If you have to ask a question to Shreya Ghoshal, oh my god, do you know what, just how she has maintained her vocal discipline so in such an exemplary way for so long. Bollywood industry mein aaj un logon ko world ka koi bhi aisa insaan nahi jo nahi janta, to main chahti hu ki main bhi us kadi mein ek you know apna naam darj karaun. I would love to collaborate with Shreya. She's definitely one of my favorite. Shreya Ghoshal, 10 on 10. So that's 10 on 10. 10 on 10, that shows 10 on 10. We should I love Shreya. मेरे खुद के बहुत सारे गाने गाए हैं श्रेया ने, और हमेशा जब भी मैं उनकी आवाज सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। I think without a doubt she's one of the most beautiful singers we have in the country today. She lends soul to a song like I think very few can. बॉलीवुड का सबसे बड़ा सिंगर हो, I think I feel that she is a queen of Bollywood, melody queen of Bollywood. So Shreya Ghoshal या Sunidhi Chauhan, your favorite? Shreya Ghoshal. Fantasies and all the little details that sir has put in through the song you'll get to see and hopefully enjoy. But I've been secretly humming and listening to this song for such a long time, and it will be such an honor if you can hum a little bit for me, because ye maine kabhi nahi kiya hai aapke sath. Matlab how can I sing with you? Acha theek hai, aap shuru karo, main thoda sa low awaaz mein join karungi, and hopefully my voice will be overshadowed with your beautiful voice.